भाई उस दिन मैंने तेरा सही फायदा उठाया और तूने मुझे निराश नहीं किया। मेरा अखाड़ा, मेरी शान सब वापस दिला दिया मुझे। ये जगह जिसकी है मैं उसे आज दिलवा कर रहूंगा। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि तेरी याददाश्त कभी वापस ही ना आए और तू ऐसे ही मेरे हाथ की कठपुतली बनकर रहे। आपके सिवा मेरा कोई नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। बताइए मुझे कौन हूं मैं, बताइए मुझे कौन हूं मैं, मेरी पहचान क्या? क्यों क्यों वो छोटी सी बच्ची? मैं आपके गुरु और आप मेरे बाबा। बार बार मुझे बाबा कह के पुकार रही थी, क्यों वो बच्ची मेरे लिए रो रही थी? मैं आपके गुरु हूं, कभी नहीं जाने दूंगी मैं आपको। क्यों वो बच्ची मुझसे अलग नहीं होना चाह रही थी? ये सब फिर से क्यों ये सब बातें कर रहा है? तुझे अपनी बहन के प्यार पर भरोसा नहीं है? इतनी बार बचपन की कहानियां सुना चुकी हूँ, बचपन की फोटोज दिखा चुकी हूँ, दिन रात तेरी सेवा करती हूँ, फिर भी तुझे अपने बहन के प्यार पर शक हो रहा है अग्नि? दीदी मुझे माफ कर देना, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था, पर मेरे अंदर की आवाज कुछ और ही बता रही है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कौन हूं मैं? रुको, अबे क्या दिक्कत है यार? आनंद भैया फोन नहीं उठाते, यश भैया का फोन लगता नहीं है, कहाँ फंस गए हम यार? और हमारा पेट दर्द कम नहीं हो रहा है जब तक हम दोनों भाइयों को ये ब्रेकिंग न्यूज़ ना दे दे कि उनसे भी कोई बड़ा भाई है। यार एक तो हम सबसे छोटे हैं और हमें इतना लंबा चौड़ा होने के बावजूद और छोटा होने की फीलिंग आ रही है। वैसे सोचने वाली बात तो ये है, जो जेठ जी है क्या उनकी बीवी बच्चे भी होंगे क्या? मतलब हमें जायदाद में से उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा? हाय हमारा अंश का हिस्सा तो और भी छोटा होता जा रहा है। यार हवेली में सिर्फ एक रूम मिला था हमें, अब तो ऐसा लगता है सिर्फ बाथरूम मिलेगा। सोचने की बात यह है कि आखिर वो सबसे बड़ा बेटा है कौन?